Assalamualaikum 3 class, welcome to our second lecture. आज के 3 आपका English B का second lecture है. Topic है हमारा abstract and concrete noun. आज हमने abstract और concrete noun की explanation करनी है. 3 class, आप already अपनी noun और its kinds का topic अपनी neat copies के ऊपर अपने टेक्स्ट बुक से लेकर नीट कॉपी के ऊपर कर चुके हैं. इसकी डेफिनेशंस हमने ऑलरेडी अपनी नोटबुक पे कर ली है. हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे. आज का लेक्चर आपके लिए न्यू टॉपिक है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन आपके लिए न्यू टॉपिक है. आपने इसको अच्छे से समझना है. अगर आपने मेरा लेक्चर अच्छे से समझा तो आप अपना बुक वर्क ईजिली कर सकेंगे. आज हम डेफिनेशंस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन की. एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन है अ कॉमन नाउन व्हिच इज द नेम ऑफ अ थिंग दैट वी कैन नॉट सी एंड टच बट कैन ओनली थिंक ऑफ हियर और फील. एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा कॉमन नाउन है जो जिसको हम देख और टच नहीं कर सकते हैं. ना तो हम उसे देख सकते हैं और ना ही हम उसे टच कर सकते हैं, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम उसे सुन सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 3 क्लास, लव, एंगर, ट्रुथ, मोहब्बत, गुस्सा, सच्चाई, ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें ना तो हम टच कर सकते हैं यानी छू भी नहीं सकते और ना ही हम देख सकते हैं, लेकिन हम इन्हें महसूस कर सकते हैं. 3 क्लास, कंक्रीट नाउन. अब हमें डेफिनेशन करनी है कंक्रीट नाउन की. कंक्रीट नाउन इज द लास्ट काइंड ऑफ नाउन. डेफिनेशन है अ कॉमन नाउन व्हिच इज द नेम ऑफ अ थिंग दैट वी कैन बोथ सी एंड टच is known as a concrete noun. एक ऐसा common noun जिसको हम दोनों तरह से touch भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं वो concrete noun कहलाता है. For example, cake, flower, key. वो तमाम चीजें जिन्हें हम touch कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो तमाम चीजें concrete noun कहलाती हैं. जैसा कि cake, फूल और चाबी. डेफिनेशंस हमने की हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन से की, जिससे वजाहत हो चुकी है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस का मालूम होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी एक्सरसाइज जो हमने बुक पर करनी है वो इजीली कर सकें. डिफरेंस है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन में. सबसे फर्स्ट डिफरेंस है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन का. एब्स्ट्रैक्ट नाउन डू नॉट हैव एनी शेप. एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कोई शक्ल नहीं होती. कंक्रीट नाउन हैव अ पर्टिकुलर शेप और साइज. कंक्रीट नाउन का एक खास शक्ल और उसका साइज मौजूद होता है. 3 क्लास, कंक्रीट नाउन वो चीजें हैं जो हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, इसलिए उनकी शक्ल और उनके साइज को भी हम देख सकते हैं. पॉइंट नंबर 2 है 3 क्लास, वी कैन नॉट एक्सपीरियंस हिम विद 5 सेंसेस. एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन हैं जिन्हें हम अपनी 5 सेंसेस के साथ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते. जैसा कि 5 सेंसेस अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, सी, टेस्ट, टच, फील, स्मेल. हम इन्हें सिर्फ फील कर सकते हैं. इसी तरह कंक्रीट नाउन में वी कैन एक्सपीरियंस देम विद 5 सेंसेस. हम इन्हें अपनी 5 हिस्सों यानी 5 सेंसेस के साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं. हम इन्हें फील भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, यानी हम 5 सेंसेस के साथ इन्हें एक्सपीरियंस कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर टू फीलिंग्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग्स से रेफर करते हैं, जैसा कि फियर, प्लेयर, फियर यानी खौफ, प्लेयर यानी खुशी. स्टेट्स को जाहिर करते हैं, जैसा कि फ्रीडम,
आजादी, मिजरी, गुर्बत। इमोशंस को जाहिर करते हैं जैसा कि एंगर, गुस्सा, हेट, नफरत, जॉय, खुशी। क्वालिटीज को जाहिर करते हैं हमारी क्वालिटीज, हमारी खसूसियात जैसा कि करेज, ऑनेस्टी, करेज, हौसला, ऑनेस्टी, ईमानदारी। कॉन्सेप्ट्स को जाहिर करते हैं जैसा कि कंफर्ट, आराम, डेमोक्रेसी, जमहूरियत। मोमेंट्स को जाहिर करते हैं जैसा कि चाइल्डहुड, हमारा बचपन, मैरिज, शादी। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं। ये कोई पीपल नहीं है, प्लेस नहीं है, ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ये स्टेट्स हैं, इमोशंस हैं, क्वालिटीज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, मोमेंट्स हैं। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम सिर्फ फील करते हैं। कंक्रीट नाउन रेफर टू पीपल, प्लेस, ऑब्जेक्ट्स। पीपल जैसे मदर, फादर, प्लेस पाकिस्तान, गार्डन, ऑब्जेक्ट्स पेन, बुक, ट्री, टेबल या कोई भी ऐसी चीज जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। ये तमाम चीजें कंक्रीट नाउन का हिस्सा हैं। पॉइंट नंबर 4 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर इंटेजिबल, यानी ये वो नाउन्स हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल है हमारे पास ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस सेंटेंस में ऑनेस्टी यानी ईमानदारी हमारे लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी एक क्वालिटी है जिसकी ना कोई शक्ल है, ना कोई शेप है, ना कोई साइज है। हम इसे देख नहीं सकते, हम सिर्फ इसे फील कर सकते हैं। कंक्रीट नाउन आर टेंजिबल, ये ऐसे नाउन्स हैं जिन्हें हम छू सकती हैं। एग्जाम्पल है माई बुक्स आर ऑन द टेबल्स, मेरी किताबें मेज पर हैं। इनमें बुक्स और टेबल हमारा कंक्रीट नाउन है। बुक्स और टेबल वो नाउन्स हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं। टेबल और बुक दोनों का साइज भी होता है, शेप भी होती है, और हम इन्हें अपनी फाइव सेंसेस के साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। थ्री क्लास आपकी एक्सप्लेनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कंक्रीट नाउन कंप्लीट हो चुकी है। अब आप बुक पेज नंबर 6 and 7 ओपन करें। थ्री क्लास नाउ कम टू द पेज नंबर 6 and 7। लेक्चर में हम सब कुछ एक्सप्लेन कर चुके हैं, इस पेज को एक्सप्लेन पहले कर चुकी हूँ मैं, लेकिन फिर भी एक दफ़ा रीडिंग कर लेते हैं ताकि आपकी एक्सरसाइज में आपको आसानी रहे। द डिफरेंस बिटवीन एन एब्स्ट्रैक्ट एंड अ कंक्रीट नाउन विल बिकम क्लियरर इफ वी लुक एट अ फ्यू एग्जाम्पल। कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के दरमियान में डिफरेंस जो कि मैं पहले अपने लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अगर हम ये चंद एग्जाम्पल्स आपको बताएं। नंबर ए, द मैन कुड नॉट लिफ्ट द हैवी टेबल। नंबर बी, आयरन इज अ हैवी मेटल। ऑप्शन सी इज द बैग इज हैवी। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स टेबल, आयरन, बैग आर हैवी। दे देयरफॉर हैव वन थिंग और क्वालिटी इन कॉमन। इन सब में एक खसूसियत एक जैसी है, हैवीनेस, उनका भारी होना। वी कैन थिंक ऑफ हैवीनेस एंड फील इट। हम भारी होने को सिर्फ महसूस कर सकते हैं या उसके बारे में सोच सकते हैं, बट वी कैन नॉट सी इट, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। सो द नेम ऑफ द क्वालिटी हैवीनेस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरह साबित हुआ या हम कह सकते हैं कि क्वालिटी जो हैवीनेस है, भारी होना, वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बट द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट हैव द क्वालिटी, लेकिन वो तमाम चीज़ें जिनके अंदर ये क्वालिटी मौजूद है, जैसा कि टेबल, आयरन, बैग आर कंक्रीट नाउन्स, वो सब कंक्रीट नाउन्स हैं। बिकॉज वी कैन सी, क्योंकि हम उन्हें देख सकते हैं, टच छू सकते हैं, एंड फील देम और उन्हें महसूस कर सकते हैं।
Given below is a list of abstract nouns that are used frequently. यहाँ पर कुछ लिस्ट दी गई है जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं जो यूज होते हैं, एक्शन, क्लेवरनेस, डिफिकल्टी, अफेक्शन, करेज, डिस्कवरी, चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, चॉइस, डेथ, गुडनेस. ये तमाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं क्योंकि ये सिर्फ फील किए जा सकते हैं या इनके बारे में सोचा जा सकता है. थ्री क्लास, नाउ कम टू द पेज नंबर 7. हाइट, हीरोइज्म, ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी, इग्नोरेंस, इलनेस, जस्टिस, काइंडनेस, नॉलेज, प्लेयर, प्रोटेक्शन, पनिशमेंट, स्लेवरी, स्ट्रेंथ, टॉट, ट्रुथफुलनेस. पेज नंबर 7 पे आपको मजीद कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स दिए गए हैं जिनको अभी मैंने रीड किया है. पेज नंबर 7 पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, स्टेट वेदर दी अंडरलाइंड नाउन्स आर प्रॉपर और कॉमन. नीचे जो लाइन्स दी गई हैं इनमें कुछ वर्ड्स हैं जो अंडरलाइन किए गए हैं, हमने बताना है कि वो प्रॉपर नाउन्स हैं या कॉमन नाउन. इन द केस ऑफ कॉमन नाउन्स, अगर तो वो कॉमन नाउन्स हैं, पॉइंट आउट वेदर दे आर कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट. अगर तो वो कॉमन नाउन्स हैं, आपने पॉइंट आउट करना है, बताना है कि ये कंक्रीट नाउन्स हैं या एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं. पेज नंबर 7 पर नंबर 1 है, द सन गिव्स द अर्थ लाइट एंड हीट. इसमें सन को अंडरलाइन किया गया है. सन कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों वे में यूज हो सकता है. अगर तो सन किसी आर्टिकल के साथ यूज हो रहा है तो ये कॉमन नाउन कहलाएगा. सन इज अ कॉमन नाउन. इसके ऊपर हम मेंशन करेंगे कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन के साथ हमने ये भी बताना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कंक्रीट नाउन है. तो सन इज अ कंक्रीट नाउन. बट साइंटिफिकली सन एक प्रॉपर नाउन है. लाइट एंड हीट बोथ आर कॉमन नाउन्स. दोनों कॉमन नाउन्स हैं, हम इन्हें सिर्फ फील कर सकते हैं, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं. आपने इनके ऊपर, इन अंडरलाइन वर्ड्स के ऊपर इन मेंशन करना है कि ये कॉमन नाउन है, और साथ में ये भी मेंशन करना है कि ये कंक्रीट नाउन्स हैं या एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं. अब बाकी के तमाम इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये आपने खुद से करने हैं. ये तमाम पॉइंट्स 1 to 15 आपको दिए गए हैं, आपने इन सब को सॉल्व करना है. उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, जिसकी मदद से आप ये तमाम ऑप्शंस अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे. थ्री क्लास, आपका होम टास्क है बुक पेज नंबर 7. आपने पूरी एक्सरसाइज अच्छे तरीके से सॉल्व करनी है. उम्मीद करती हूँ कि मेरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ. थ्री क्लास, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन. अपनी नोटबुक्स रेडी करें, हम एप्लीकेशन राइट करेंगे. एप्लीकेशन का टॉपिक है फॉर लीव एंड अकाउंट ऑफ सिकनेस. हमने सिक लीव की यानी बीमारी की दरख्वास्त लिखनी है. अपनी कॉपीज को उसी तरह से रेडी करें जैसे हम क्लास में करते हैं. डेट मेंशन करें, डे मेंशन करें, क्लास वर्क राइट करें, एप्लीकेशन का नेम राइट करें. एप्लीकेशन को राइट करने के कुछ रूल्स होते हैं, हम एक पैटर्न के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन राइट करते हैं. अब हम अपनी एप्लीकेशन राइट करेंगे. हम एप्लीकेशन बिल्कुल उसी तरह से राइट करेंगे जिस तरह हमने अपना लेटर राइट किया था. लेटर राइट करने का पैटर्न चेंज होता है और एप्लीकेशन राइट करने का पैटर्न चेंज होता है. आज हम एप्लीकेशन राइट करेंगे. फर्स्ट लाइन में मार्जिन लाइन के साथ हम राइट करेंगे द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल के आगे कॉमा आएगा. नेक्स्ट लाइन में मार्जिन लाइन के बिल्कुल साथ राइट करेंगे केंट पब्लिक हाई स्कूल. आपके स्कूल के नाम के तमाम वर्ड का फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा. स्कूल के नाम के लास्ट में आप कॉमा राइट करेंगे. नेक्स्ट लाइन में राइट करेंगे लाहौर केंट. अपने सिटी और डिस्ट्रिक्ट का नेम लाहौर कैंट.
लाहौर किट के लास्ट में हम अपना फुल स्टॉप लगाएंगे। फुल स्टॉप यहाँ इसलिए लगाया है कि यहाँ हमारा एड्रेस कंप्लीट हो चुका है। यहाँ कॉमा इसलिए लगाया था क्योंकि प्रिंसिपल से हम मुखातिब हैं। यहाँ कॉमा इसलिए था क्योंकि हमारे स्कूल का एड्रेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ। और यहाँ फुल स्टॉप इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमारी पूरी एड्रेस कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लाइन में बिल्कुल मार्जिन लाइन के साथ आप राइट करेंगे मैडम प्रिंसिपल के लिए। हम यहाँ पर एहतरामन वर्ड यूज करेंगे मैडम। मैडम के साथ कॉमा आएगा क्योंकि उनसे अभी हमने जो बात करनी है वो जारी है। मैडम के नीचे मार्जिन लाइन से टू फिंगर्स के डिस्टेंस पे आप राइट करेंगे इट इज मोस्ट हंबली स्टेटेड दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे। यहाँ पे आप आगे फुल स्टॉप लगाएंगे यस्टरडे के आगे, फिर राइट करेंगे आई कैन नॉट अटेंड स्कूल टूडे, फुल स्टॉप आएगा। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे, वन डे की लीव आपने लेनी है, उसके आगे फुल स्टॉप आएगा। नेक्स्ट लाइन में वन फिंगर के डिस्टेंस पे आप लाइन राइट करेंगे। आपका वन डे किसी भी लाइन में कंप्लीट हो, ये हाफ लाइन में भी आ सकता है, उससे आगे आपने लाइन स्टार्ट नहीं करनी बल्कि नेक्स्ट लाइन से नेक्स्ट लाइन आपने स्टार्ट करनी है एक फिंगर के डिस्टेंस पे। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, टू यू के आगे फुल स्टॉप लगाएंगे आप। मार्जिन लाइन के बिल्कुल साथ तो यू से आगे जो भी लाइन है उसको फ्री कर दें, छोड़ दें। मार्जिन लाइन के बिल्कुल साथ आप राइट करेंगे योर्स ओबेडी एंटली, आगे कॉमा आएगा योर्स ओबेडी एंटली यानी आपका ताबेदार। उसके नीचे आप अपना नेम मेंशन करेंगे जो भी आपका नेम है। मैंने यहाँ जैनब मेंशन किया है लेकिन आप अपना नाम राइट करेंगे एप्लीकेशन के नीचे, नेम लाजमी लिखना है। उसके नीचे अपनी क्लास का नेम राइट करेंगे क्लास के थ्री। डेट है जो भी आपकी डेट है, जिस डेट को आप बैठ के काम कर रहे हैं आपने यहाँ पर वो डेट मेंशन करनी है। थ्री क्लास हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। आपने अकॉर्डिंग टू रूल्स अपनी वीडियो को अच्छे तरीके से देखकर अकॉर्डिंग टू रूल्स काम करना है। राइटिंग का ख्याल रखना है, राइटिंग में हर वर्ड आपका अलहदा होना चाहिए, हर एक वर्ड के अंदर आपने डिस्टेंस देना है, कोई भी वर्ड आपस में मर्ज नहीं हो, नीट एंड क्लीन राइटिंग हो, सब कुछ क्लियर वाजिया तौर पर पता चले। थ्री क्लास अब हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करेंगे जो कि आपकी बुक ग्रामर ट्री के पेज नंबर 49, 50 और 51 पर दी गई है। आपके टॉपिक है एलिस। थ्री क्लास ये आपका पेज नंबर 49 है। पेज नंबर 49 पे आपका टॉपिक है एलिस। एलिस एक लड़की का नाम है जिसके बारे में ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपको दिया गया है। एलिस केम अपॉन अ लिटिल थ्री लेग्ड टेबल। एलिस तीन टांगों वाले मेज के पास आई, मेड ऑफ सॉलिड ग्लास जो कि शीशे का बना हुआ था। देयर वॉज नथिंग ऑन इट, उसके ऊपर कुछ नहीं था, बट आज टाइनी गोल्डन की लेकिन एक छोटी सी सुनहरी चाबी थी। ऑन लुकिंग अराउंड अ सेकेंड टाइम, दूसरी तरफ दूसरी बार इधर उधर देखने पर शी सॉ अ लॉन्ग कर्टन, उसे एक छोटा सा पर्दा नज़र आया। एंड बिहाइंड इट और उसके पीछे वॉज अ लिटिल डोर, एक छोटा सा दरवाज़ा था अबाउट 15 inches high, जो कि 15 इंच बड़ा था। She tried the little golden key in the lock. उसने वह छोटी सी सुनहरी चाबी उस दरवाजे के लॉक में लगाई।
एंड टू हर ग्रेट डिलाइट इट फिट, और वो उसके अंदर बिल्कुल पूरी आई. एलिस ओपन्ड द डोर, एलिस ने दरवाज़ा खोला एंड फाउंड दैट इट लेड इनटू अ स्मॉल पैसेज, और वहाँ उसे एक छोटा सा रास्ता नज़र आया, नॉट मच लार्जर देन अ रैट होल, जो कि चूहे के सुराख से ज़्यादा बड़ा नहीं था. शी नेल्ट डाउन, वो अपने घुटनों के बल बैठी एंड लुक्ड अलोंग द पैसेज, और वो उस रास्ते को देखने लगी, इनटू द लवलीएस्ट गार्डन यू एवर सॉ, वहाँ एक खूबसूरत तरीन बाग था जो कभी नहीं देखा होगा. बट शी वॉज मच टू लार्ज टू गेट इन, लेकिन वो बहुत बड़ी थी उस दरवाजे में या उस रास्ते की तरफ जाने के लिए. शी वेंट बैक टू द टेबल, वो मेज़ की तरफ वापस गई. दिस टाइम, इस दफ़ा, शी फाउंड अ लिटल बॉटल, उसे एक छोटी सी बोतल नज़र आई विद द वर्ड्स, जिस पर अल्फाज लिखे थे ड्रिंक मी, मुझे पी लो. ब्यूटिफुली प्रिंटेड ऑन इट, बड़ी खूबसूरती से उसके ऊपर लिखे गए थे इन लार्ज लेटर्स, बड़े हरूफ में. एलिस वेंचर्ड टू टेस्ट इट, एलिस ने बट शी वॉज मच टू लार्ज टू गेट इन, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी उस पर जाने के लिए. शी वेंट बैक टू द टेबल, वो वापस मेज पर गई. दिस टाइम, इस दफ़ा, शी फाउंड अ लिटल बोतल, उसने एक छोटी सी बोतल देखी विद द वर्ड्स ड्रिंक मी, इन अल्फाज के साथ मुझे पी लो. ब्यूटिफुली प्रिंटेड ऑन इट इन द लार्ज लेटर्स, जो कि बहुत खूबसूरती से उस पर प्रिंट किए गए थे, उस पर तहरीर किए गए थे बड़े हरूफ में. एलिस वेंचर्ड टू टेस्ट इट, एलिस ने डरते हुए बड़े हौसले से उसे चखा. इन फाइंडिंग इट वेरी नाइस, और उसे वो बहुत अच्छा लगा. इट हैड अ सॉर्ट ऑफ मिक्स्ड फ्लेवर ऑफ चेरी टार्ट, उसके अंदर मुख्तलिफ जायके थे. चेरी टार्ट का जायका था कस्टर्ड, पाइन एप्पल, रोस्ट टर्की, टॉफ़ी एंड हॉट बटर्ड टोस्ट, यानी बस इन तमाम चीज़ों का मिलाप था. वट अ क्यूरियस फीलिंग, क्या तजस्स वाला एहसास है, सेड एलिस. एलिस ने कहा, आई मस्ट बी शटिंग अप लाइक अ टेलीस्कोप, मैं बिल्कुल एक टेलीस्कोप दूरबीन की तरह दिखाई दे रही हूँ, छोटी सी. एंड सो इट वॉज इन डीड, शी वॉज नाउ ओनली 10 inches हाई एंड द राइट साइज फॉर गोइंग थ्रू द लिटिल डोर, अब वो सिर्फ 10 inch बड़ी थी और ये बिल्कुल सही साइज था, बिल्कुल सही नाप था कि वो उस दरवाजे से गुजर सकती थी. 3 class हमने अपना कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ लिया है, रीड किया है, उसके अंदर हमें सारी इन्फॉर्मेशन का पता चल गया है कि ये स्टोरी किसके बारे में है, कैसी है. एक बच्ची के बारे में ये स्टोरी थी, उन्होंने एक छोटी सी एक इमेजिनेटिव स्टोरी आपको बताई है, जिसके अंदर से आपने कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए होंगे, कॉलम मैचिंग होगी नेक्स्ट पेज में जो आपको नज़र आ रहा है, पेज नंबर 50 और 51. इन पेजेस पर कुछ आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके आंसर्स आपने देने हैं. 3 class पेज नंबर 50 पे आपका ए पार्ट है, रीड द पैसेज केयरफुली, अपना जो पैसेज हमने पढ़ा है उसे एहतियात से पढ़ें एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर एक्सरसाइज बुक, और आपने अपनी एक्सरसाइज बुक में अपनी नोटबुक जो इंग्लिश बी की नोटबुक पे है उस पर आपने इसके क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. आपने पहले क्वेश्चन अपने पेजेस मेंशन करने हैं अपनी नोटबुक के ऊपर, कॉम्प्रिहेंशन का नेम राइट करना है और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज राइट करना है. कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कंप्लीट राइट नहीं करना, 3 words बिफोर और दरमियान में आपने कुछ डॉट्स लगाकर
लास्ट में थ्री वर्ड्स राइट करने हैं, बुक का के पेजेस लाजमी मेंशन करने हैं, उसके बाद आपने अपना ए पार्ट राइट करके उसके ऊपर क्वेश्चंस के आंसर्स मेंशन करने हैं। ये क्वेश्चंस के आंसर्स आप खुद से फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन है आपका, व्हाट डिड एलिस फाइंड ऑन द टेबल द फर्स्ट टाइम। पहली दफ़ा एलिस ने मेज पर क्या तलाश किया या उसे क्या मिला। क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट डिड एलिस सी थ्रू द लिटिल डोर। एलिस को छोटे दरवाजे में से क्या मिला या उसने क्या देखा। What did Alice find on the table the second time? थर्ड पर्सन है आपका कि एलिस ने दूसरी दफ़ा टेबल पर क्या तलाश किया या क्या देखा या उसे क्या मिला। What did क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, What did the drink in the bottle taste of? कि वो जो ड्रिंक वहाँ पड़ी थी बोतल के अंदर उसका टेस्ट किस किस्म का था। नंबर फाइव है क्वेश्चन नंबर फाइव, What happened to Alice after she drank what was in the bottle? वो कहते हैं कि आप क्या हुआ एलिस के साथ जब उसने वो पी लिया जो बोतल के अंदर था। अब ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आपको ट्रांसलेशन के साथ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ाया गया है, आपने अच्छे तरीके से वीडियो को सुनना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इतने बड़े लेक्चर के बाद आपको इस स्टोरी को पढ़कर मज़ा आएगा और ये क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने में भी इंटरेस्ट डेवलप होगा। आपने अपने पेरेंट्स के पास बैठकर उनके क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड करने हैं, उनको चेक करवाने हैं और उसके बाद इसको नीट कॉपी पर राइट करना है। आपकी बाकी एक्सरसाइज आपकी बुक पर ही सॉल्व होगी। पार्ट बी है आपका, मैच एंड ज्वाइन द फर्स्ट पार्ट ऑफ ईच सेंटेंस इन कॉलम ए। आपने मैच करना है, ज्वाइन करना है अपने फर्स्ट पार्ट को जो के सेंटेंस है कॉलम ए में राइट किए हुए हैं विद इट्स सेकंड पार्ट इन कॉलम बी। कॉलम बी में ये कॉलम ए है आपका और ये कॉलम बी है। कॉलम ए में कुछ सेंटेंसेस हाफ आपको राइट करके दिए गए हैं और उनका हाफ पार्ट आपको बी में दिया गया है। आपने ए पार्ट के बाकी के जो सेंटेंसेस हैं उन्हें बी पार्ट में तलाश करना है और उनको आपस में बाय ड्राइंग अ लाइन ड्रॉ करनी है लाइन। राइट दी कंप्लीट सेंटेंसेस इन योर एक्सरसाइज बुक। अपनी आपने सिर्फ यहाँ पर इसे मैच करना है, इसे नोटबुक पे नहीं राइट करना। सी सेक्शन देखें आपका, सी है पार्ट, मैच एंड ज्वाइन ईच वर्ड विद इट्स मीनिंग। आपको पैसेज नंबर ए में या कॉलम नंबर ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स के आपने मीनिंग फाइंड करने हैं। ये मीनिंग्स आपको कॉलम नंबर बी में दिए गए हैं। आपने बाय ड्राइंग अ लाइन फ्रॉम ईच वर्ड टू इट्स मीनिंग, आपने इन तमाम वर्ड्स के मीनिंग्स फाइंड करने हैं। आप इसके लिए डिक्शनरी से हेल्प ले सकते हैं और इनको फाइंड करके आपने इन्हें आपस में मैच करना है। इस वर्ड का जिस वर्ड का जो मीनिंग होगा आप उसके साथ इसे मैच करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थ्री क्लास आपके पास, डी सेक्शन देखें, ज्वाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस गिवन बिलो बाय यूजिंग एंड और बट। आपने एंड और बट का इस्तेमाल करना है और आपको दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करना है। ये देखें जहाँ आपको फुल स्टॉप दिया गया है, इस फुल स्टॉप को हटाकर आपने सेंटेंसेस में देखना है कि कहाँ एंड यूज़ होना है और कहाँ पर बट। जहाँ एंड यूज़ होना है वहाँ एंड लगाकर दोनों सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन कर देना है और जहाँ बट यूज़ होगा वहाँ पर बट लगाकर इस दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है। ये आपका वन पार्ट है, देयर वॉज अ डोर इट वॉज ओनली 15 inches हाई। अब इसका आंसर आपने खुद राइट करना है, इस लाइन के अंदर आपने एंड लगाकर ये कंप्लीट लाइन राइट करनी है। नाउ कम टू द पेज नंबर 51। टू है आपका, देयर वॉज अ टेबल देयर वॉज अ गोल्डन की ऑन इट। अब आपने इसके अंदर बट या एंड दोनों में से किसी एक वर्ड का इस्तेमाल करते हुए इस फुल स्टॉप की जगह पर इन दोनों में से किसी एक वर्ड का यूज़ करना है और इन दोनों लाइंस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाकर इस लाइन में जो कि आपको दिया गया ये स्पेस है यहाँ पे राइट करना है। इसी तरह आपका पॉइंट नंबर थ्री है, शी वॉन्टेड टू गो थ्रू द डोर फुल स्टॉप, शी वॉज टू बिग।
यहाँ भी आप ऐसे ही इस फुल स्टॉप को हटाकर यहाँ पर बट या एंड में से किसी एक वर्ड का यूज़ करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 है, एलिस वॉज बिकमिंग स्मॉलर, शी वॉज नॉट फ्राइटेंड. नंबर 5 है, एलिस वेंट बैक टू द टेबल, शी फाउंड अ लिटिल बॉटल ऑन इट. पॉइंट नंबर ई है आपका. अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, पिक आउट द वर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड पॉइंट आउट विच आर फिनिट एंड विच आर सिंपल इन्फिनिटिव्स. अब इसका कॉन्सेप्ट अभी हमारे सिलेबस में क्लियर नहीं किया गया, इसलिए ये क्वेश्चन आप स्किप कर देंगे, ये आप नहीं करेंगे. एफ है आपका पार्ट, फिल इन ईच ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट आप 2 क्लास में करके आए हैं, 3 क्लास, इसलिए ये क्वेश्चन आप करेंगे. यहाँ पर आपको कुछ ब्लैंक्स दी गई हैं, इन ब्लैंक्स के अंदर आपने बिल्कुल ठीक प्रेपोजिशंस लगानी हैं और इन ब्लैंक्स को फिल करना है. ये भी आपका होम टास्क है. ये तमाम काम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का आपने खुद से नीट एंड क्लीन करना है. सारा कुछ आपको समझाया गया है, उसके अकॉर्डिंग करना है. अगर आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को गौर से सुनेंगे, उसे खुद से अच्छे तरीके से 3 दफ़ा रीड करें और उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर्स दें. अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर ये काम करें. उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.